Assalamu alaikum everyone. This is Hafsa Farooq. I hope you all are doing well. So today, the topic of our discussion will be mass media. We will discuss mass media, definition of mass media, explanation, role of mass media, functions of mass media. We are going to discuss micro functions of mass media. First of all, look at the definition. What is medium? A medium is the channel through which a message travels from the source to the receiver. Medium kya hai? Ek channel hai, ek zariya hai, jiske zariye message, koi bhi paigham travel karke jata hai, source jo hoti hai, jisne message dena hai, uske se रिसीवर तक पहुंचता है. मीडियम क्या है? एक जरिया है जिसके जरिए मैसेज ट्रेवल करके जाता है. कहां से? सोर्स से रिसीवर तक. मीडियम इज सिंगुलर, मीडिया इज प्लूरल. अगर हम मीडियम, जस्ट मीडियम की बात करें तो वो सिंगल कंपोनेंट है कि कोई भी सिंगल कंपोनेंट. प्रिंट मीडिया हो सकता है, वो सिंगल कंपोनेंट हो सकता है, प्रिंट मीडिया का सिंगल कंपोनेंट. अगर हम मीडिया की बात करें तो उसमें मीडिया के सारे चैनल्स, मीडिया के चैनल्स इंक्लूड होते हैं. सोशल मीडिया इंक्लूड होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड होगा, या फिर प्रिंट मीडिया इंक्लूड होगा. जितने फॉर्म्स ऑफ मीडिया हैं वो सारे मीडिया में आएगा, इंक्लूड होगा. जबकि मीडियम है उसका सिंगुलर फॉर्म है. मीडिया व्हीकल क्या होता है? अ मीडिया व्हीकल इज अ सिंगल कंपोनेंट ऑफ मास मीडिया. मीडिया व्हीकल एक सिंगल कंपोनेंट है मास मीडिया का. कोई भी मास मीडिया ले लें, सिंगल कंपोनेंट की अगर हम बात करें, सच एज न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी एंड मैगजीन. या तो एक न्यूज़पेपर होगा, या फिर रेडियो होगा, या टीवी होगा, या फिर मैगजीन होगा. कंबाइंड मास मीडिया क्या है? मास मीडिया आर द चैनल्स यूज्ड फॉर मास कम्युनिकेशन. मास मीडिया वो चैनल्स हैं जिनके ज़रिए हम मास कम्युनिकेशन करते हैं, हम मासेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं. मासेस कौन? नंबर ऑफ पीपल, मिलियंस, ट्रिलियंस पीपल. कम्युनिकेशन, शेयरिंग ऑफ आइडियाज. किससे शेयर करते हैं हम अपनी आइडियाज? हम मासेस के साथ शेयर करते हैं. और मास मीडिया जो है वो चैनल्स हैं जिनके ज़रिए हम मासेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, some of mass media are radio, television, books, magazines, sound recordings, newspapers, films. These are not the only mass media that exist. ये सिर्फ यही नहीं mass media हैं जो यहाँ exist करते हैं दुनिया में. इसके अलावा billboards, comic books, posters, direct mail एंड सो ऑन आर इंक्लूडेड इन मास मीडिया. इसके अलावा अगर हम बिलबोर्ड की बात करें, अगर हम कॉमिक बुक्स की बात करें, तो ये भी मास मीडिया में इंक्लूड होते हैं. तो मास मीडिया क्या है? चैनल्स यूज फॉर मास कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या है? जब हम शेयर करते हैं अपने आइडियाज, जब या फिर अपने थॉट्स, या फिर अपने ओपिनियंस, जब हम मासेस के साथ शेयर करेंगे तो उसके लिए हमें चैनल्स, एक चैनल की नीड होगी. क्योंकि मासेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अगर हम करते हैं तो वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ करते हैं. लेकिन अगर हमें मासेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, करना है, तो हम मीडिया यूज़ करेंगे. फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन फॉर सोसाइटी. अगर हम बात करें कि कौन कौन से फंक्शंस मास कम्युनिकेशन हमारे लिए परफॉर्म करता है सोसाइटी में रहते हुए, तो वो कौन से होंगे? फॉर सोसाइटी टू एग्जिस्ट, सर्टेन कम्युनिकेशन नीड्स मस्ट बी मेट. सोसाइटी जहाँ लोग रहते हैं, सोसाइटी में रहते हुए लोग कॉमन आइडियाज शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, गोल शेयर करते हैं. तो सोसाइटी में रहते हुए एक उन लोगों की कुछ नीड्स होती हैं जो कि उनको फुलफिल करनी होती हैं. तो दीज नीड्स एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर द एडवेंट ऑफ मास मीडिया. ये बात जाहिर है कि ये नीड्स जब से सोसाइटी बनी है, जब से सोसाइटी का एक पूरा एक सिस्टम शुरू हुआ है, अगर हम बात करें तो ये सोसाइटी जो है ये
एडवेंट ऑफ मास मीडिया से पहले से चली आ रही है, तो उस वक्त कम्युनिकेशन के जो मीन्स होते होंगे वो डिफरेंट होते हैं। आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मास मीडिया यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। एज सोसाइटी बिकेम लार्जर दीज फंक्शंस बिकम टू लार्ज टू बी हैंडल्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल्स। जिस तरह सोसाइटी बढ़ती गई, लार्ज होती गई, जिस तरह तरक्की करते गए, ये जो फंक्शंस थे वो इम्पॉसिबल हो गया कि कोई सिंगल हैंडेड पर्सन ये फंक्शंस जो है हैंडल करता। तो फिर मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल मीडिया चैनल्स आ गए जिसके ज़रिए लोगों से कम्युनिकेट किया जाता है। मीडिया फंक्शंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एनी गिवन एग्जाम्पल ऑफ मीडिया कंपोनेंट मे सर्व मल्टीपल फंक्शंस। अगर हम मीडिया फंक्शन की बात करें तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते। हर सिंपल मीडिया जो है उसका अलग अलग फंक्शन वो परफॉर्म करता है। प्रिंट मीडिया है, उसकी टारगेटेड ऑडियंस अलग है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसकी टारगेटेड ऑडियंस अलग है। सोशल मीडिया है, वो ज़्यादातर यूथ के, उसकी टारगेट ऑडियंस अलग है। द रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन इन सोसाइटी। अगर हम पूछें और अगर हम देखें कि क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है मास कम्युनिकेशन का या मास मीडिया का हमारी सोसाइटी में, तो द रोल ऑफ मास मीडिया इन सोसाइटी कुड बी एग्जामिन्ड फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स, द मैक्रो लेवल एंड द माइक्रो लेवल। एट द मैक्रो लेवल ऑफ एनालिसिस मास मीडिया परफॉर्म्स फाइव फंक्शंस फॉर सोसाइटी। अगर मैक्रो लेवल की बात करें, मैक्रो लेवल में मास मीडिया हमारे लिए जो फंक्शंस परफॉर्म करता है वो सारे के सारे मैक्रो लेवल में आते हैं। कौन से फंक्शन जो मास मीडिया हमारे लिए परफॉर्म करता है? सर्विलेंस, इंटरप्रिटेशन, नंबर 3 लिंकेज, नंबर 4 ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज एंड नंबर 5 डाइवर्जन। ये फंक्शन, इसके अलावा भी मास मीडिया हमारे लिए बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं। तो मैक्रो फंक्शंस वो है जो मास मीडिया हमारे लिए परफॉर्म करता है, जो फंक्शंस मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन हमारी सोसाइटी में किया जाता है परफॉर्म, ये 5 जो है वो बेसिक हैं। अगर माइक्रो एनालिसिस की बात करें, एट द माइक्रो लेवल ऑफ एनालिसिस द फंक्शनल अप्रोच इज कॉल्ड यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन एनालिसिस। अगर हम माइक्रो लेवल की बात करें तो माइक्रो लेवल पे हम कैसे मीडिया को यूज करते हैं, हम मीडिया किस तरह एज अ इंडिविजुअल यूज करते हैं, या एज अ इंडिविजुअल मीडिया हमारे लिए कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। मैक्रो लेवल पे बात आ गई थी पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए। माइक्रो लेवल पे एज अ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम, तो नंबर वन पे आ जाता है कॉग्निशन, नंबर 2 पे आता है डाइवर्जन, नंबर 3 पे आएगा सोशल यूटिलिटी, नंबर 4 पे आएगा विड्रॉवल, देन एफिलिएशन एंड लास्ट एक्सप्रेशन। अगर हम मास मीडिया का रोल या कितना मास मीडिया हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज है ये कैसे पता लगेगा, ये नहीं पता लग सकता, क्योंकि डिफरेंट दुनिया में उसके क्या असरात हैं या फिर उस एज अ इंडिविजुअल पे क्या असर पड़ता है मास मीडिया का यूजेज कितना है इंडिविजुअल का, वो इस पे डिपेंड करता है कि यूजेज कितना है। ये हमें पता है कि मास मीडिया के जो परवेजिव जो है मास मीडिया हमारी ज़िंदगी में वो परवेजिव है। कितना परवेजिव है ये हम डिफरेंट फंक्शंस जो मास मीडिया हमारे लिए परफॉर्म करता है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। Dysfunctions क्या होते हैं? Dysfunctions आर हार्मफुल और नेगेटिव consequences ऑफ these functions. Dysfunctions जो हैं वो नेगेटिव consequences ऑफ these function है। मास मीडिया जो हमारे लिए functions परफॉर्म करता है, ऑब्वियसली मास मीडिया तो हमारे लिए फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हम मीडिया को कैसे यूज कर रहे हैं, जो नेगेटिव उसमें consequences आते हैं, जो नेगेटिव यूजेज है मीडिया का, तो वो सारे के सारे dysfunctions में इंक्लूड होते हैं, जो कि हमारी जिंदगी में हार्मफुल है, हमारी ज़िंदगी में वो एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है। मीडिया का यूजेज पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो उसे पॉजिटिवली ले या फिर वो नेगेटिव ले। फॉर एग्जांपल, टीवी देखते हुए मैं इंफॉर्मेशन जो है सीख कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ इंफॉर्मेशन टीवी देखते हुए, लेकिन मैं
कितनी इंफॉर्मेशन ले रही हूँ, मैं कितनी देर टीवी वॉच कर रही हूँ, मैंने कहीं ओवरडोज तो नहीं कर ली, मैंने इंफॉर्मेशन ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना भी क्या अच्छा है? तो ये सारे के सारे नेगेटिव इफेक्ट्स में आ जाएंगे जो डिसफंक्शंस में आते हैं मास मीडिया का यूजेज में। हाउ पीपल यूज द मास मीडिया एट द इंडिविजुअल लेवल, माइक्रो एनालिसिस, द फंक्शनल अप्रोच इज कॉल्ड द यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन मॉडल। दिस मॉडल होल्ड्स दैट ऑडियंस मेंबर्स have certain needs or drives that are satisfied by using both non-media and media sources. Micro-analysis is jab hua, us approach ko hum kehte hain uses and gratification model. Uses jis tarah se hum media use karenge, gratification satisfy karne ke liye, apne aap ko satisfy karne ke liye hum media use karte hain. Individual level ki baat kar rahe hain micro-analysis mein. To is approach ko hum kya kehte hain, uses and gratification model. This model holds that audience member have certain needs. इस मॉडल के मुताबिक ऑडियंस जो है उस उनकी सर्टेन नीड्स हैं और कुछ ड्राइव्स हैं उनकी, जो कि उसको सेटिस्फाई होना है, जो कि वो यूज़ करता है, चाहे वो यूज़ करे मीडिया या नॉन मीडिया सोर्सेस, बट उसकी कुछ नीड्स हैं जो एज अ इंडिविजुअल उसे फुलफिल करनी है। अगर माइक्रो लेवल की बात करें तो मीडिया यूजेस आर जनरली ब्रोकन डाउन इनटू 6 कैटेगरीज। नंबर 1 कॉग्निशन, नंबर 2 डाइवर्जन, नंबर 3 सोशल यूटिलिटी, नंबर 4 विड्रॉवल, नंबर 5 एफिलिएशन एंड नंबर 6 एक्सप्रेशन। नंबर 1 कॉग्निशन, द प्रोसेस ऑफ कमिंग टू नो समथिंग विच इज क्लोजली पैरेलल टू द सर्वेलेंस फंक्शन। व्हेन अ पर्सन यूजेस मास मीडियम टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग ही और शी इज यूजिंग इज अ कॉग्निटिव वे। जब एक इंसान को कुछ जानना होता है, उस जानने के फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन जब वो मीडिया यूज़ करता है या कोई भी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, उस नीड को अपनी फुलफिल करने के लिए कि उसे इंफॉर्मेशन चाहिए सोसाइटी में रहते हुए या दुनिया में रहते हुए, उसे इंफॉर्मेशन चाहिए। विदाउट इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ ना तो आगे, ना तो आप सक्सेस की तरफ जा सकते हो, ना आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ जाओगे। जब आपने आपके पास इंफॉर्मेशन अगर नहीं होगी तो ये इंसान की एक आदत है, एक ह्यूमन नेचर है कि उसे ही वॉन्ट्स टू नो एवरी थिंग, उसे सब कुछ जानना होता है, उसे इंफॉर्मेशन चाहिए, उसे सोसाइटी में रहते हुए ये जानना है कि उसके आस पास लोग क्या कर रहे हैं, या उसे ये पता, उसे ये जानना होता है कि उसके कंट्री के क्या हालात हैं, या उसका इन्वायरमेंट उसके आसपास, या और कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में क्या कुछ चल रहा है, तो उसे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो जब इसलिए मास मीडिया यूज़ किया जाता है तो ही और शी इज़ यूजिंग इज इट इन अ कॉग्निटिव वे, तो वो कॉग्निटिव वे में मीडिया यूज़ कर रहा है। क्या जब आपको कुछ जानना होता है, द प्रोसेस ऑफ कमिंग टू नो समथिंग ऑन द इंडिविजुअल लेवल, देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन। अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन आते हैं। नंबर 1 यूजिंग मीडिया टू कीप अप विद करंट इवेंट्स। एक तो जब हम मीडिया यूज़ करें, जब हमें करंट इवेंट्स के बारे में जानना हो, हमें जानना हो कि कौन से करंट इवेंट चल रहे हैं, आप इवेंट्स कौन से इवेंट आने वाले हैं, कौन से डे सेलिब्रेशन के लिए डेज आने वाले हैं, तो हमें करंट इवेंट्स के बारे में जब जानना होता है, एक तो ये हो गया। नंबर 2 यूजिंग मीडिया टू सेटिस्फाई अ डिज़ायर फॉर जनरल नॉलेज। एक हम मीडिया को यूज़ कर रहे हैं जो कि हमें डिज़ायर है हमारी अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, हमें सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए हम मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन के लिए हम जाते हैं, हम गूगल करते हैं, हमें कोई टॉपिक जानना होता है किसी भी चीज़ के बारे में अपनी जनरल नॉलेज लेने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम मीडिया यूज़ करते हैं, तो वो हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करें, हम अपनी डिज़ायर को सेटिस्फाई करें, तो हम उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो ये दो पॉइंट हो गए जिसमें हम मीडिया को यूज करते हैं कॉग्निटिव वे में। नेक्स्ट डाइवर्जन,
डाइवर्जन, जब हमें अपना माइंड डाइवर्ट करना होता है, एक तो एक जगह से हटा के दूसरी जगह जब हमें अपना माइंड डाइवर्ट करना होता है, तब भी हम मीडिया यूज़ करते हैं। हमारी डेली लाइफ में हम कंटिन्यूसली बिजी जो अपना स्केड्यूल से डाइवर्ट करने के लिए हम मीडिया यूज़ करते हैं। किस तरह हम लोग हैंड्सफ्री लगाते हैं और सॉन्ग हम सुनना शुरू कर देते हैं, या फिर हम लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो अपनी कुछ देखना शुरू कर दी, हम बुक रीड करना शुरू कर देते हैं, लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक्स और वॉचिंग टीवी, व्हाटएवर, हम डाइवर्ट करते हैं अपना माइंड जो हमारे बिजी स्केड्यूल से जो चला आ रहा होता है उससे हम अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं। हम माइक्रो लेवल पे मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। अनदर नीड फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज फॉर डाइवर्जन यूजिंग द मीडिया टू गेट अवे फ्रॉम इट। हम क्या कह रहे हैं, एक ह्यूमन बीइंग की एक नीड है कि वो उसे डाइवर्जन चाहिए होता है, तो हम जब मीडिया यूज़ करें गेट अवे फ्रॉम इट ऑल, उसे जो भी आपकी सिचुएशन है उसे गेट अवे करने के लिए, तो हम अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, हम डाइवर्जन कर रहे हैं। Types of diversion include stimulation, relaxation and emotional release. अगर हम diversion की बात करें तो उसको तीन types में divide किया गया है। Number one, stimulation involves seeking some sort of emotional or intellectual mental activity. जब हम media use करें, some sort of emotional, हमें emotional, अपने mental जो activity है हमारी, हमें emotional release के लिए हम जब media use करें, तो जब emotionally, क्योंकि हम बहुत busy चल रहे होते हैं modern world में रहते हुए, तो example क्या है इसकी, many people watch, read and listen to pass the time, just TV watch करना, newspaper read करना, book read करना, तो आपको relaxation feel होती है, आपका emotional जो भी है, आपकी जो mental activity होती है, आप उस पर रिलैक्स करते हो। नंबर टू, रिलैक्सेशन इन्वॉल्व्स सीकिंग रिलीफ फ्रॉम सेंसरी ओवरलोड। रिलैक्सेशन, जब आपको अपनी जिंदगी में रिलैक्स करना हो, जब आपके एक डेली स्केड्यूल, आपकी लाइफ जो है वो बिजी चल रही हो, तो आप रिलैक्सेशन के लिए भी मीडिया यूज करते हैं। द टाइप ऑफ कॉन्टेंट इज नॉट द डिफाइनिंग फैक्टर बिकॉज different media find different different people find different media material relaxing. कह रहे हैं जब आपको relaxation चाहिए होती है तो भी आप media use करते हैं। अब जो content है उसको हम define नहीं कर सकते क्योंकि different जो लोग होते हैं उनके different interest होते हैं। कुछ को content जो है horror movies देखना पसंद करते हैं तो वो relaxation के लिए movie लगा लेते हैं। कुछ just listening music पसंद करते हैं relaxation के लिए तो just वो music listen करते हैं। तो इसलिए content जो है वो उसका defining factor नहीं है। Example, some people listen to music, some watch TV, while some might click their Facebook page. Just scroll down करते रहे Instagram में आप, मीडिया यूजेज आपको सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए आप मीडिया यूज कर रहे हो, या टीवी देख रहे हो आप, या म्यूजिक सुन रहे हो आप रिलैक्सेशन के लिए। इमोशनल रिलीज इन्वॉल्व्स सीकिंग सम टाइप ऑफ इमोशनल कैथारसिस। कैथारसिस मीन अ रिलीज ऑफ इमोशन एंड एनर्जी। जब आप किसी कैरेक्टर के साथ अपने इमोशनल रिलीज के लिए आप अपने आप को किसी कैरेक्टर के साथ आप जोड़ लेते हो, आपको उससे इमोशनल रिलीज मिलता है, जनरली बाय क्रिएटिंग अ विकेरियस पार्टिसिपेशन इन अ सिचुएशन और एम्पथी विद अ कैरेक्टर। आप जब टीवी देखते हो तो आपको इमोशनल रिलीज मिलता है, आप देखते हो कि कैरेक्टर है वो सफ़र कर रहा है, कोई भी आपका फेवरेट कैरेक्टर है वो सफ़र कर रहा है, तो आपको उससे एम्पथी हो जाती है, आप रिलैक्सेशन फील करते हो, आपको इमोशनल रिलीज मिलता है वहाँ से विद अ कैरेक्टर फिक्शनल और अदरवाइज depicted in the media. Example क्या है इसकी, it seems to be that many viewers are comforted by seeing that some people, even fictional people, have troubles greater than their own. देखा गया है ये कि कुछ लोग जो है उससे उनका सेटिस्फाई होते हैं, उनको इमोशनल रिलीज होता है कि हम जो सफ़र कर रहे हैं लाइफ में वो तो कुछ भी नहीं, हमारी कुछ जो कैरेक्टर हैं चाहे वो फिक्शनल ही क्यों ना हो, वो इससे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो उससे क्या करते हैं, उनसे कंफर्ट हासिल करते हैं।
तो आप इंडिविजुअल लेवल पे इमोशनल रिलीज के लिए मीडिया यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा सोशल यूटिलिटी, सीकिंग सोशल इंटीग्रेशन और एफिलिएशन विद अदर्स, इंक्लूडिंग आवर नीड टू स्ट्रेंथन आवर टाइज विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर्स इन सोसाइटी बाय यूजिंग द मास मीडिया एज अ कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ एक्सपीरियंस। जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम सोसाइटी का एक क्या मकसद होता है, सोसाइटी में जब लोग रहते हैं तो कॉमन आइडियाज शेयर करते हैं, कॉमन नॉलेज शेयर करते हैं, उनके उनके इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो जब हम सोशल इंटीग्रेशन की बात करें तो लोग एक या तो फैमिली से या फ्रेंड से या अदर जो सोसाइटी में रह रहे हैं लोग जुड़ने के लिए एक कॉमन डिनोमिनेटर के तौर पर मीडिया यूज करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका सोशल मीडिया आ जाता है। आप चाहे पाकिस्तान में रह रहे हो या दुनिया के आखिरी कोने में रह रहे हो, आप फेसबुक से कनेक्ट कर लेते हो। आप जो कनेक्शन है आपका मास मीडिया के थ्रू, उससे आपके स्ट्रेंथेड होते हैं आपके फैमिली टाइज। आप वीडियो कॉल कर लेते हो, आप व्हाट्सएप कॉल कर लेते हो, आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, रिलेशनशिप मेंटेन होती है, स्ट्रेंथनिंग होती है। तो सोशल यूटिलिटी कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन सेवरल फॉर्म्स इंक्लूडिंग। अब सोशल यूटिलिटी को फर्दर हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर वन, कॉन्वर्सेशनल करेंसी, प्रोवाइड्स अ कॉमन ग्राउंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस व्हिच कैन बी यूज्ड टू स्ट्राइक अप अ कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशनल करेंसी क्या है, कॉमन ग्राउंड इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस का, जहाँ से आप अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो। एग्जाम्पल, हम कभी किसी से अपने दोस्त से जब पूछते हैं हैव यू एवर टॉक्ड विद अ फ्रेंड अबाउट अ टीवी प्रोग्राम, कभी आपने अपनी किसी फ्रेंड से पूछा है कि उसने ये प्रोग्राम देखा हो, या हम पूछते हैं तो जब हम ये कनेक्शन हो रहे हैं ना मीडिया के थ्रू, तो हम कम्युनिकेट करें। हैव यू एवर डिस्कस्ड अ करंट मूवी और द लेटेस्ट सॉन्ग यू डाउनलोडेड, इट इज़ सो देन यू आर यूजिंग द मीडिया एज अ कन्वर्सेशनल करेंसी। अगर आपने अपनी फ्रेंड को तो रिकमेंड किया है कोई ड्रामा, या अगर आपने उससे पूछा है कि आपने ये ड्रामा देखा है या नहीं, तो आप मीडिया को यूज कर रहे हो एज अ कन्वर्सेशनल करेंसी। क्योंकि आप इससे यहाँ से आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी मीडिया यूज करते हुए, कॉमन ग्राउंड आ गए ना। तो नेक्स्ट है पैरा सोशल रिलेशनशिप्स, डिवेलप व्हेन इंडिविजुअल्स डिवेलप फीलिंग्स ऑफ किनशिप और फ्रेंडशिप विद मीडिया कैरेक्टर फिक्शनल और नॉट। पैरा सोशल रिलेशनशिप, आप मीडिया देखते हुए जो फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, या फिक्शनल हो या रियल कैरेक्टर है, आप एक फ्रेंडशिप की फीलिंग अब डेवलप कर लेते हो अपने अंदर, पैरा सोशल रिलेशनशिप आप डेवलप कर लेते हो। एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं, एग्जाम्पल वन स्टडी डेट एग्जामिन पैरा सोशल रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑडियंस एंड टीवी न्यूज़कास्टर्स फाउंड दैट मोर देन हाफ द पीपल सर्वेड अग्रीड विद द स्टेटमेंट द न्यूज़कास्टर्स आर ऑलमोस्ट लाइक फ्रेंड्स यू सी एवरी डे। जब सर्वे किया गया तो ये सामने आया, ये पता लगा कि कुछ लोगों का ये ख्याल है, क्योंकि न्यूज़कास्टर्स के बारे में एक इमेज है कि वो बहुत फ्रेंडली है, क्योंकि उनका एक जो वे ऑफ टॉक है, जिस तरह वो बात करते हैं या जिस तरह फ्रेंडली वो रहते हैं, तो लोगों ने यही अज्यूम कर लिया कि द न्यूज़कास्टर्स आर ऑलमोस्ट लाइक फ्रेंड्स यू सी एवरी डे। हमें जो हम घर गुजरते हुए दिन के साथ या रोज हम देखते हैं अपने फ्रेंड्स, तो उन्हीं की तरह है न्यूज़कास्टर। ये हमने एक पैरा सोशल रिलेशनशिप कायम कर लिया। या अगर हम टीवी देखते हैं और हमें कोई पर्सनैलिटी, हमारी फेवरेट पर्सनैलिटी है, वो अपना जो कैरेक्टर, चाहे वो उसका रियल कैरेक्टर हो या फिक्शनल कैरेक्टर हो, जैसे वो जाहिर करता है, हम उसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप जोड़ लेते हैं, तो वो रिलेशनशिप हमारा होता है पैरा सोशल रिलेशनशिप मीडिया यूज करते हुए जो हम डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट है एफिलिएशन, वन ऑफ द सेंट्रल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज द नीड फॉर एफिलिएशन। द इंडिविजुअल काउंटर पार्ट टू द लिंकेज फंक्शन रेफर्स टू अ पर्सन डिजायर टू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग और इन्वॉल्वमेंट विद इन अ सोशल ग्रुप। एक
हम एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोशल बीइंग, हमारी नीड है एफिलिएशन, क्योंकि हमें एक लिंक चाहिए, हमारी कनेक्शन हो, किस हमारी ये डिज़ायर है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो, हमारी इन्वॉल्वमेंट हो किसमें, एक सोशल ग्रुप में जहाँ हम रहते हैं, जिस दुनिया में हम रहते हैं, हम यहाँ जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो, हमारी इन्वॉल्वमेंट हो. द इंटरनेट इज़ द प्राइमरी मीडियम दैट फुलफिल्स दिस फंक्शन फॉर मैनी पीपल. इंटरनेट कह रहे हैं एक प्राइमरी मीडियम की तरह यूज़ होता है जो कि ये जो फुलफिल करता है इस फंक्शन को बहुत सारे लोगों के लिए. फेसबुक एग्जाम्पल में अगर हम इसकी बात करें तो फेसबुक आ जाएगा, ट्विटर आ जाएगा, गूगल ग्रुप्स आ जाएंगे, आर मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल. ट्विटर पे आप कनेक्ट करते हो एक दूसरे को फॉलो करके, एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स आप शेयर कर रहे होते हो, हम अपने डेली लाइफ के बारे में भी समटाइम्स कुछ लोगों की आदत होती है या कुछ लोगों की ऐसी हैबिट है कि वो लिखते हैं तो फिर वो बताते हैं कि ट्विटर में अपनी राय के बारे में, तो हमारे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग या एक दूसरे से हम कनेक्ट करें, या फेसबुक की बात करें एक दूसरे को फॉलो करते हुए, या हम क्या करते हैं फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजते हुए, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए हम एक एफिलिएट कर रहे हैं एक दूसरे से. तो इंडिविजुअली हम मीडिया यूज़ कर रहे हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंग और इन्वॉल्वमेंट विद इन अ सोशल ग्रुप रहते हुए, सोसाइटी में रहते हुए. नेक्स्ट एक्सप्रेशन, यूजिंग द मीडिया टू एक्सप्रेस वंस इनर थॉट्स फीलिंग्स एंड ओपिनियंस. जब हम मीडिया यूज करें कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो हम मीडिया को यूज़ कर रहे हैं फॉर एक्सप्रेशन फंक्शन. एग्जांपल, द इंटरनेट हैज़ ओपनड अप न्यू वेस्टास फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन. ब्लॉगर्स कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस बाय यूजिंग यूट्यूब. इंटरनेट की अगर बात करें तो उसने कहा है कि न्यू जो है आपकी एक न्यू बाउंड्रीज जो है सेट कर दी इंटरनेट ने, कि वो अब उससे आप सेल्फ एक्सप्रेशन, अगर हम ब्लॉगर्स की बात करें तो वो एक्सप्रेस करते हैं अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं, अपने कुछ फैक्ट्स या फिर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपनी ओपिनियंस मीडिया यूज़ करते हुए. जब मीडिया यूज़ करते हुए अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो आप एक्सप्रेशन कर रहे हैं. वेल, सम पोस्ट ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ऑब्वियस है कि कुछ लोग फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं, अपने एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपने थॉट्स, अपने फीलिंग. द मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स दैट हैव स्प्रंग अप इन द लास्ट फ्यू ईयर्स सजेस्ट दैट एक्सप्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉर द इंडिविजुअल. मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स अब देखा जा रहा है कि लोग एक्सप्रेशन के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए मीडिया कितना ज़्यादा मीडिया यूज़ कर रहे हैं. अगर किसी, इसकी एग्जांपल इस तरह भी ली जाती है कि किसी सेलिब्रिटी की अगर डेथ होती है तो उसके लिए वो अपने एक्सप्रेस करने के लिए, अपना फीलिंग्स बताने के लिए वो राइट डाउन करना शुरू कर देते हैं, डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में पोस्टिंग, ट्विटर में पोस्टिंग, तो वो एक्सप्रेस करें अपना ग्रीफ. तो ये एक्सप्रेशन के लिए मीडिया यूज किया जा रहा है जो वो फील करते हैं. तो यहाँ पे हमने माइक्रो फंक्शंस की बात की जो मीडिया परफॉर्म करता है इंडिविजुअल लेवल पे, या फिर हम मीडिया को कैसे यूज करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे. कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट, मीडिया यूज इज डिटरमाइंड नॉट ओनली बाय मीडिया कंटेंट. कह रहे हैं कि मीडिया का जो यूज है वो सिर्फ हम उसके कंटेंट पे डिपेंड नहीं कर सकते कि कौन सा मीडिया कंटेंट कौन सा दिखा रहा है, उसका जो मीडिया का यूज है सिर्फ हम उस बात पे डिटरमाइन नहीं कर सकते इसके अलावा, बट ऑल्सो बाय द सोशल कॉन्टेक्स्ट विद इन विच द मीडिया एक्सपोजर अकर्स. इसकी एग्जाम्पल, पीपल गोइंग टू अ मूवी हाउ एवर माइट वैल्यू द अपॉर्चुनिटी टू सोशलाइज मोर देन दे वैल्यू एन एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म इटसेल्फ. बात करें, ज़रूरी नहीं है कि जो मीडिया का जो कॉन्टेंट पे बेस करते हैं हम डिटरमाइन करें मीडिया का यूज़. हम इस तरह भी कर सकते हैं कि एग्जाम्पल है, जो अगर हम
कोई मूवी है, एक हम कंबाइन अपने फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बनाते हैं, तो किसी मूवी का प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें से कुछ को तो वो मूवीज देखनी होगी, लेकिन कुछ को सिर्फ सोशलाइज करना होगा, सिर्फ फन के लिए वो साथ चल रहे होंगे। तो वो इसके कहना है कि सोशल कॉन्टेक्ट पे डिपेंड करता है कि मीडिया को कैसे यूज किया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम फ्रेंड्स की गैदरिंग है और मूवी जो है प्लान हो रही है, मूवी देखने का प्लान है, तो क्या कुछ लोग उसमें मूवी देखना चाहते हैं, कुछ नहीं देखना चाहते हैं? जो नहीं देखना चाहते, जिस गैदरिंग के लिए, फन के लिए जा रहे हैं, वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं मीडिया को, क्योंकि वो सोशलाइज कर रहे हैं वहां पे। द फंक्शनल अप्रोच टू स्टडी मास मीडिया मेक्स सेवरल अजम्पशन। हमने मास मीडिया के जब फंक्शनल अप्रोच की बात की जाए, तो उसमें कुछ अजम्पशन आती है, मेक सेवरल अजम्पशन। ऑडियंस टेक एन एक्टिव रोल इन देयर इंटरेक्शन विद द वेरियस मीडिया। ऑडियंस जो है वो उनका एक्टिव रोल है, उनका एक्टिव पार्ट है किसमें, इंटरेक्शन विद वेरियस मीडिया एंड पीपल्स नीड प्रोवाइड मोटिवेशन फॉर मीडिया यूज। जो लोगों की ज़रूरियात हैं, जो लोगों की डिज़ायर है, वो मोटिवेट करते हैं और मीडिया यूजेज पे, ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया यूजेज पे। ये फंक्शनल अप्रोच की बात कर रहा है। सेकेंड, द मास मीडिया आर नॉट द ओनली सोर्स टू सेटिस्फाई पीपल्स नीड। मास मीडिया ही नहीं है जो सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन का हो। ज़रूरी नहीं है कि सेटिस्फेक्शन मुझे जब ही मिले जब मैं मास मीडिया यूज़ करूँ, मैं जस्ट रिलैक्स भी कर सकती हूँ, या रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी तो नहीं है कि मैं मीडिया यूज़ करूँ या लिसन करूँ म्यूज़िक या कुछ, वॉचिंग टीवी ज़रूरी तो नहीं है। मैं जस्ट एक नैप ले सकती हूँ और मैं सो सकती हूँ और मैं रिलैक्सेशन जो है ले सकती हूँ। तो कह रहे मीडिया आर नॉट द ओनली सोर्स टू सेटिस्फाई पीपल्स नीड, कि जस्ट मीडिया ही नहीं है, एक अकेला मीडिया ही सोर्स नहीं है जो लोगों की नीड्स को फुलफिल करे। नेक्स्ट, द यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन अप्रोच अज्यूम्स दैट पीपल आर अवेयर ऑफ देयर ओन नीड्स एंड आर एबल टू वर्बलाइज देम। यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन अप्रोच के मुताबिक ये कहा जाता है कि पीपल जो हैं वो अवेयर है, उनको पता है कि उनको कितना मीडिया यूज़ करना है और वो उतना ही यूज़ करते हैं। द अप्रोच रियलाइज ऑन सर्वे मेथोडोलॉजी। ये जो अप्रोच है वो सर्वे मेथोडोलॉजी पे बेस की गई है। लोगों पे सर्वे किया गया, देन पता चला कि यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन, लोग मीडिया कैसे यूज़ करते हैं, जो अप्रोच है यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन अप्रोच के ज़रिए। क्रिटिकल कल्चरल स्टडीज। द यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन अप्रोच रिलाइज ऑन द मेथड कॉमन टू सोशल साइंस। अगर हम जो अप्रोच है, ये यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन अप्रोच, जिसमें बताया जाता है कि मीडिया जो है जब यूज़ करते हैं, मीडिया इंडिविजुअल लेवल पे लोग मीडिया कैसे यूज़ करते हैं, तो कह रहे हैं ये जो मेथड था वो सोशल साइंसेस से बिलोंग करता था। रिसर्चर्स ने क्या किया, लोगों से क्वेश्चन किए और देन उनके रिस्पॉन्स लिए। रिसर्चर्स आस्क पीपल क्वेश्चन एंड काउंट देयर रिस्पॉन्स। क्रिटिकल कल्चरल स्टडीज बाय कॉन्ट्रास्ट टेक अ क्वालिटेटिव और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन देयर एग्जामिनेशन ऑफ सच कॉन्सेप्ट ऑफ एज आइडियोलॉजी कल्चर पॉलिटिक्स एंड सोशल स्ट्रक्चर एज दे रिलेट टू द रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी। यहाँ पे इस अप्रोच का कुछ क्रिटिकल और कल्चरल स्टडीज जो की गई है, इसको कंपेयर किया गया है कुछ के क्वालिटेटिव मेथड से और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से, कि लोगों की आइडियोलॉजी अलग होती है, कल्चर अलग होता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड अलग होता है, उनका सोशल स्ट्रक्चर अलग होता है, उसी तरह वो मीडिया यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मीडिया यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन अप्रोच को और ये क्रिटिकल स्टडीज़ को कंपेयर किया गया। बेसिकली मीडिया इंडिविजुअल लेवल पे कौन से फंक्शन मीडिया हमारे लिए परफॉर्म करता है, वो मैक्रो एनालिसिस में आ जाता है। हम मीडिया को कैसे यूज़ करते हैं, वो माइक्रो एनालिसिस में आ जाता है। माइक्रो एनालिसिस में एक अप्रोच है यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन अप्रोच, जिसमें यूजेस का मतलब मीडिया हम कैसे यूज़ करते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, ग्रेटिफिकेशन मीन सेटिस्फेक्शन। तो आज का टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल डिस्कस मैक्रो एनालिसिस। Till then, Allah Hafiz. Take care. Thank you, everyone.